ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंडिया। आयरन एंड स्टील के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आज का भी ये टॉपिक मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आयरन एंड स्टील क्या है, आप कहां से सोर्स करोगे, कौन से कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है एंड आप कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आयरन एंड स्टील जो होता है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और यानी कच्चा आयरन होता है, कच्चा लोहा का बहुत सारे हमारा जो इंडिया का जो माइनिंग में माइंस में अवेलेबल है। तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और को चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना ने पहले, अभी थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत सारे आयरन और इंपोर्ट किया इंडिया से, फिर उसको मेल्ट करके आयरन एंड स्टील बनाकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर इंडिया को एक्सपोर्ट किया और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया। तो आयरन एंड स्टील का काफ़ी अवेलेबल है, बहुत काफ़ी मात्रा में इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंडिया में आपको बहुत सस्ता में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को इंडिया से करीब 205 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज को एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंडिया से 205 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज को एक्सपोर्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करते हैं आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। सो टॉप कंट्रीज हो गया, टॉप कंट्रीज जो इंडिया से इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज हो गया, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल एंड बांग्लादेश। तो नेपाल एंड बांग्लादेश को टारगेट कर सकते हो। और वियतनाम जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो आयरन एंड स्टील में आता है आयरन एंड स्टील, मेटल सीट एंड प्लेट्स, TMT बार्स हो गया, स्ट्रक्चरल सीट्स हो गया, CR सीट्स हो गया, गैल्वेनाइज सीट्स हो गया, MS पैलेट्स हो गया और सीमलेस पाइप्स हो गया। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया आयरन एंड स्टील में। और फ्लैट रोल प्रोडक्ट हो गया, फ्लैट रोल प्रोडक्ट आयरन और नॉन एलॉय स्टील प्रोडक्ट हो गया, फेरो एलॉयज हो गया, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आयरन में हो गया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बार्स एंड रॉड्स हो गया। तो ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना है। बार्स एंड रॉड्स एंड पाइप्स ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर कंट्री में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रॉड, आयरन का जो रॉड होता है, स्टील रॉड, आयरन रॉड वगैरह यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। और बार हो गया, स्टील बार हो गया एंड स्टील पाइप्स हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में। और ये प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हो तो नेपाल को ट्राई करिए, नेपाल को टारगेट करिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चार कंट्री है। देन आपका आ गया श्रीलंका, पाकिस्तान का फिलहाल बंद है, ट्रेड बंद है, आने वाले दिनों में अगर ट्रेड खुलता है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मालदीव्स बड़ा मार्केट है, मालदीव्स में बहुत सारे रिसोर्ट ओपनिंग हो रहे हैं, बहुत सारे होटल्स, उनका कंस्ट्रक्शन, खुद का जो हाउसिंग बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। तो मालदीव्स बड़ा मार्केट है, मालदीव्स जो है इंडिया एंड चाइना से इंपोर्ट करता है आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील को आप मालदीव्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बड़ा मार्केट है हो गया मिडिल ईस्ट मार्केट, मिडिल ईस्ट में ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज में हर साल हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। क्लाइमेट उनका हीट, हॉट क्लाइमेट है, रेगिस्तान यानी डेजर्ट क्लाइमेट है, इंडिया जैसा नहीं है। तो पूरा साल कंस्ट्रक्शन चल सकता है, वहाँ पर बारिश तो इतना नहीं है, तो पूरा साल कंस्ट्रक्शन चलता है। तो आप UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत एंड आपका कतर, सऊदी अरबिया, इन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। आजकल नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नाइजीरिया, घाना, अल्जीरिया, लीबिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, जितने सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ का इकोनॉमी बढ़ रहा है देश का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ का कंट्री में वहाँ का जो कंपनीज इंपोर्ट करता है आयरन एंड स्टील, तो आप
टारगेट कर लीजिए टू अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया में कुछ पार्ट्स हो गया इन कंट्रीज में, रशिया का कुछ स्टेट्स हो गया, तो इन कंट्रीज में कंपटीशन नहीं मिलेगा। हालांकि चाइना नज़दीक है, फिर भी आप मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द सेंट्रल एशिया एंड रशियन कंट्रीज। एंड आपका जो वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन का ख़त्म हो जाती है, फिर यूक्रेन में बड़ा मार्केट मिलेगा आपको एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, ये प्रोडक्ट को कहाँ सोर्स करोगे, तो आपको अलग अलग फैक्ट्री से ये सोर्स करना पड़ेगा। तो अलग अलग फैक्ट्री तो आप जा नहीं पाओगे, इसीलिए हमारा इंडिया का जो टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको हमेशा बताता हूँ, देख लीजिए ये B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, इन पोर्टल्स में जाकर, इन वेबसाइट में जाकर वन बाय वन ढूंढिए, वन बाय वन प्रोडक्ट को सर्च करके ढूंढिए, आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज मिल जाएंगे। उस फैक्ट्री से आप इस आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट को सोर्स करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट सिर्फ सी में जाएगा, यानी सी कार्गो में जाएगा, फिर आप कंटेनर के द्वारा, सी कंटेनर के द्वारा आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो स्टील एंड आयरन एंड स्टील, क्योंकि हैवी है, बहुत वजन वाला प्रोडक्ट है, इसको एयर कार्गो में ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो इसको सी कार्गो में भेजना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश को ट्राई करिए एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड श्रीलंका, मालदीव्स, देन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, एंटायर अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया एंड रशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। आजकल जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्री में कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, क्रोएशिया, रोमानिया, पोलैंड वगैरह में ये बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पर भी टारगेट कर सकते हो। और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैंने ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सब कंट्री के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोलैंड, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेपाल, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके, हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड का जितने सारे देश है हर देश के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियोज देख लीजिए। पुराने वीडियोज़ का कुछ लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। अलग अलग देशों से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं वीडियोज बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कैसे आपको अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, अगर आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आयरन एंड स्टील के ऊपर पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लीजिए, कौन सा प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप पाइप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप रॉड एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो एक्सपोर्ट करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में जानिए, पढ़िए, गूगल में पढ़िए, उसका जो डायमेंशन, उसका जो वेट हो गया, उनका जो साइज़ वगैरह आप उसके ऊपर पढ़िए, वेट के ऊपर पढ़िए, कंटेनर का साइज़ कौन सा कंटेनर में जाएगा उसको गूगल में पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेकर इंडिया से सोर्स करके, वेबसाइट जो बता दिया, इंडिया का टॉप 20 B2B2 पोर्टल से जाकर आप अलग अलग कंट्री को आप इंडिया टू एक्सपोर्ट कर सकते हो ये प्रोडक्ट स्टील एंड आयरन। तो मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या एक्सपोर्ट में आपको असिस्टेंस चाहिए, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, आप मुझे लिख सकते हो, मैं आपको पूरी मदद करूँगा हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।